हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन खाना खजाना में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैगन मसाला, जो कि काफ़ी टेस्टी बनता है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं 4 बैगन और 2 प्याज है, 2 टमाटर है, 2 हरी मिर्च है। तो सबसे पहले बैगन को धो लेंगे, धोकर इसे इस तरीके से काट लेंगे। पहले एक कट लगाएंगे, फिर दूसरा कट लगाएंगे। इसे हमें पूरा नहीं काटना है, अगर पूरा काटेंगे तो फिर ये बिखर जाएगा, इसलिए हमें इसे लास्ट में यहाँ तक लाकर इसे छोड़ देना है। इस तरीके से हम सारे बैगन काट लेंगे और एक बॉल में पानी ले लेंगे और उसमें इसे डाल देंगे। बैगन में जो एक कड़वापन होता है वो पानी में डालने से निकल जाता है। यहाँ पर जो 2 प्याज लिए हैं उसे बारीक बारीक काट लेना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे बारीक बारीक काट रही हूँ, इस तरीके से सारे प्याज को काट लेना है। इसके बाद जो मिर्ची लिए हैं वो भी काट लेंगे इसमें। मिर्ची हमारा कट गया है और अब हम इसे एक प्लेट में ले लेंगे। इसके बाद जो टमाटर हम लिए हैं 2, उसे भी काट लेंगे। कढ़ाई को गरम कर लेंगे और यहाँ पे मैं बैगन को सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरीके से बैगन को डाल देंगे, फ्राई करके इसे निकाल लेंगे और ये काफ़ी जल्दी फ्राई हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे बैगन को फ्राई करके हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं सारे बैगन को फ्राई करके निकाल ली हूँ, आप देख सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा डाल रहे हैं और कटी हुई प्याज और हरी मिर्च को डाल देंगे और डाल के प्याज को भून लेंगे। टमाटर को भी डाल देंगे इसमें और इसके बाद अब इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं 1 चम्मच,
इसके बाद और भी मसाले इसमें ऐड करेंगे। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर और हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और नमक स्वाद के अनुसार लेना है, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, भून लेना है इसे। इसे 3 से 4 मिनट भून लेंगे ताकि मसाले जो हम इसमें डाले हैं वो अच्छे से मेरा भुना जाए। अब देख सकते हैं मसाला भी हमारा भुना गया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हम हाफ ग्लास पानी डाल रहे हैं। पानी डाल के इसमें उबाल आने देंगे, उसके बाद बैगन को डाल देंगे। यहाँ पे हम पानी इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सा जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए और बैगन में मिक्स हो जाए। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड एक बार इसे आप जरूर ट्राई करें और कमेंट कर बताएं मुझे आपको ये सब्जी कैसी लगी। तो फ्रेंड यदि ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।